सो गाइस, यहाँ पर आप लोग यकीन नहीं करोगे, कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई डेली फ्री रिवॉर्ड्स के अंदर हमें जो गोल्डन चेस्ट मिलता है, इस चेस्ट से हम लोग तूफान स्ट्राइकर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, हमें कौन सा वीपीएन यूज़ करना है। तो गाइस, आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल प्रूफ देने वाला हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूँगी भाई तूफान और माया स्ट्राइकर हमें किस टेबल के बॉक्सेस में मिलते हैं, तो सभी लोगों को पता है सिंगापुर के जो चेस्ट होते हैं गोल्डन चेस्ट, ये वाले टेबल के गोल्डन चेस्ट, इसके अंदर जो है ना गाइज हमें तूफान माया ओपन होते हैं। लेकिन गाइज, अगर मैं आप लोगों को बोलूं डेली फ्री रिवॉर्ड्स वाला जो बॉक्स है वो भाई ये पेरिस के बॉक्स के बराबर भी नहीं है, तो क्या आप लोग मेरी बात पर यकीन करोगे? अगर आप लोगों को अभी भी मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो इस वीडियो को बस एंड तक देखते रहिए। अब गाइज, यहाँ पर मैंने अपने एक आईडी के अंदर जो है ना वो पेरिस का गोल्डन बॉक्स ले लिया था। मैंने 3-4 गेम प्लेस किए और मुझे फाइनली जो पेरिस का गोल्डन चेस्ट था वो मिल गया, ताकि मैं आप लोग को प्रूफ दिखा सकूँ। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी इस वाली आईडी के अंदर ये गोल्डन चेस्ट भी मौजूद है। पिछली वाली आईडी के अंदर गाइज मैंने गोल्डन चेस्ट को इसीलिए कलेक्ट कर लिया था ताकि मैं देखना चाहता था कि ये किस टेबल का गोल्डन चेस्ट है। अब गाइज इस आईडी के अंदर जो है ना मैं बाकी के ऊपर वाले जितने भी मतलब रिवॉर्ड्स थे वो मैं वीडियोज ऐड देकर स्किप कर चुका हूँ, और यहाँ पर सिर्फ ये गोल्डन चेस्ट का जो ये है हमारे पास रहता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये भी गोल्डन चेस्ट है और ये मेरे पास पेरिस का गोल्डन चेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट अनलॉक होने वाला है। पहले जो है ना गाइज हम लोग वो फ्री रिवॉर्ड्स वाला जो गोल्डन चेस्ट है उसको ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर मैं कलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है वो एक छोटा सा ऐड चलता है 30 सेकंड का। ऐड चलने के बाद जो है ना गाइज हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपने प्राइजेस को याद रखना है, यहाँ पर 300 से भी कम हमें कॉइन्स मिले हैं इस बॉक्स के अंदर, और एक जेम मिला है, और यहाँ पर 4-4 पीसेस पक्स के मिले हैं और स्टैंडर्ड के 16 और इपेक के 2 हमें जो है ना वो पीसेस मिले हैं। अभी यहाँ पर से गाइज मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम लोग चलकर ओपन करते हैं पेरिस के गोल्डन चेस्ट को। आप लोगों को प्राइजेस तो याद होंगी हमें वो डेली रिवॉर्ड्स वाले के अंदर हमें क्या क्या मिला था, ये देखें भाई, उससे ज़्यादा हमें कॉइन्स मिले हैं और 8 पीसेस मिले हैं पक्स के, और गाइज यहाँ पर बाकी के 2 स्ट्राइकर के पीसेस हमें सेम मिले हैं, बट कॉइन्स तो भाई हमें फ्री वाले से ज़्यादा मिले हैं पेरिस वाले के अंदर। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही मेन चीज़ समझाना चाहता था कि जो फ्री वाला जो गोल्डन चेस्ट है, काफ़ी सारे लोग उसको सिंगापुर का गोल्डन चेस्ट समझकर वो लोग सोचते हैं कि भाई उसके अंदर हमारा माया तूफान ओपन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कैरमपुल के अंदर सबसे छोटा टेबल है पेरिस स्टेज का जो फ्री गोल्डन बॉक्स है, वो तो भाई उस टेबल वाले बॉक्स से भी कम चीज़ें उसके अंदर हमें मिल रही हैं। तो यार ये मिनी क्लिप को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, यार यहाँ पर एक गोल्डन चेस्ट ज़रूर देना चाहिए था मिनी क्लिप को। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।